So this was the last part which we did was ro-ro transport. We did green corridor and ro-ro transport. अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे. Now there is an activity given over here on the left hand side. एक map दिया है नीचे. If you see this map is of Satara district. अभी दो map दिया है. एक map दिया है physiography का, ठीक है, और उसके नीचे दिया है map transport का. Same district है बट उसमें पूरा transport routes दिया है, ठीक है. अभी इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछा गया है तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा. आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, मैं भी आपको दिखाने वाला हूं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच रीजन डू यू फाइंड अ डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स इन द मैप. तो अपने को कौन सा मैप देखने का है, वी हैव टू सी द सेकेंड मैप. यहाँ पे आपको ज्यादा ट्रांसपोर्ट रूट्स कहाँ पे दिख रहे हैं, ज्यादा आपको रेलवे ट्रैक्स रोड्स कहाँ पे दिख रहे हैं. I'm waiting for the answer. Chat box में मुझे answer चाहिए. Okay, one is central region. I want the region. I don't want the place का name. Region बताना इंजन. जैसे मैं देख रहा एक central region बोला. Yes, in center. So central part of Satara district has a dense network of transport routes. ठीक है? चलो पहले question का answer आ गया. बढ़ते दूसरे क्वेश्चन पे. हाउ इज द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन विद द डेंस नेटवर्क. वहां पर का फिजियोग्राफी कैसे है तो आपको ये मैप देखना है. अभी मैप में आपने सेंट्रल पार्ट बोला है, सेंट्रल पार्ट, ठीक है. प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा सैम्यूल. या अभी ये मैप में सेंट्रल पार्ट है. अभी आपको इंडेक्स दिख रहा है, आपको इंडेक्स दिख रहा है. इंडेक्स में देखो हाइट दिया है. ब्राउन इज वेरी हाई, लाइट ब्राउन इज हाई, येलो इज मीडियम एंड द ग्रीन वन इज लो. तो यहां पे ना सेंट्रल पार्ट में द रीजन इज फ्लैट, प्लेन एरिया है, ठीक है. कहीं कहीं पे प्लेटोज है और कहीं कहीं पे प्लेन एरिया है. मैप में कैसे है ना कलर कोडिंग होता है. माउंटेन्स के लिए ब्राउन होता है मैप में. आपको मैं ये भी बता दूं मैप में ब्राउन कलर इज डी coded for mountains, yellow color is majorly for plateaus and green color is for plains. Yaad rakhna hai because this will be there in 10th standard also. So brown color on the map is for mountains, theek hai, yellow color is for plateaus and green color is for plains. So you can write over here ki yahan pe jo central part jahan pe there is a dense network of transport routes, वहां पे कौन सा एरिया. इट इज अ प्लेन एंड अ प्लेटो एरिया. ऑरेंज और ब्राउन जो है ना वो दोनों भी माउंटेन्स के लिए, ठीक है. ऑरेंज और ब्राउन दोनों भी माउंटेन्स के लिए है. ओके तो ये था सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज विच रीजन has a sparse network of transport routes. Sparse बोलेगा तो कब, कहाँ पे दिख रहे आपको, कहाँ पे आपको roads, railways दिख ही नहीं रहे. बराबर से आंसर देना. Yes, the western part of Satara district. Yes, the western part. अब देखो ना वेस्टर्न पार्ट में आपको ज्यादा रोड्स भी नहीं दिख रहे हैं, आपको ज्यादा रेलवे ट्रैक्स भी नहीं दिख रहे हैं. यस, वेस्टर्न पार्ट ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट, करेक्ट आंसर. डायरेक्शन आपको पता ना वेस्ट में. यस, ओके. नेक्स्ट इज हाउ इज द फिजियोग्राफी ऑफ दिस रीजन. यहाँ पे फिजियोग्राफी कैसा है, वेस्टर्न पार्ट में फिजियोग्राफी कैसा है. खाली है, ऐसा नहीं आंसर लिखने का. इट इज अ हिली एरिया और अ माउंटेनस रीजन. आपको ब्राउन पैचेस देखो वेस्टर्न साइड में ज्यादा दिख रहे हैं. फिजियोग्राफी वाला मैप देखो, फिजियोग्राफी वाला मैप में आपको वेस्टर्न में ब्राउन पैचेस ज्यादा दिख रहे हैं. मींस इट्स अ हिली एरिया. वहां पे सह्याद्री माउंटेन है, ठीक है. वहां पे सह्याद्री माउंटेन है, ठीक है. वेस्टर्न घाट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इट इज लोकेटेड ओवर देयर. दैट्स व्हाई वहां पे ट्रांसपोर्ट रूट्स कम है. Look for the region lacking transport routes.
एंड वॉट काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कैन यू फाइंड देयर? एक तो वेस्टर्न रीजन है, एक तो वेस्टर्न रीजन है, और मेरे को ईस्टर्न रीजन भी दिख रहा है। देखो ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट मेजरली वेस्टर्न है, थोड़ा ईस्टर्न में भी है। यस, एंड द ऑब्स्ट्रक्शन इज सह्याद्री माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। दो आएगा, सह्याद्री माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट आर द ऑब्स्ट्रक्शन। उसकी वजह से वहां पे ट्रांसपोर्ट रूट्स हम लोग नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। या वो डाउनसाइड भी जो है ना, वो पूरा सह्याद्री माउंटेन है। सह्याद्री माउंटेन एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वेस्ट में नॉर्थ से साउथ तक पूरा सह्याद्री माउंटेन्स ही है। ठीक है, सो इट इज माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। ओके, तो ये एक्टिविटी हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपको दिख रहा है देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गिवन ओवर हियर। तो उसको एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। ठीक है, सबसे पहला है एक्सटेंडिंग ट्रेड एंड नेटवर्क। एक्सटेंडिंग ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या, व्हाट इज ट्रेड, हमने पढ़ा है चैप्टर 9 में। ट्रेड का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड मींस व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मेरे को बताओ, जब इनिशियली इन द ओल्डर टाइम्स, इन द एंशियंट टाइम्स, ट्रेड है ना, ये जो ट्रेड एक्टिविटीज, पहला एक गांव में होता था, मतलब गांव में एक लोगों के बीच में होता था। ठीक है, बट जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, वैसे वैसे ट्रेड भी एक्सटेंड हुआ। पहले गांव में होता था, फिर गांव से शहर में हुआ, शहर से स्टेट लेवल पे हुआ, स्टेट से नेशनल लेवल पे हुआ, अभी ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। Now trade activities are happening on a global level. ठीक है, you can order anything from any country. ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड। बट ये ट्रेड इतना efficient क्यों हुआ? Because of transportation. चलो अपने आप बैठे Amazon पे बैठे, आपने Amazon पे एक product मंगाया, you ordered a product. ठीक है, and that product belongs to some other country. तो वहां से आने के लिए उसको transport तो लगेगा ही। तो ट्रांसपोर्टेशन हैज एक्सटेंडेड द नेटवर्क एंड द ट्रेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंस था। नेक्स्ट वन इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक नीड ट्रांसपोर्ट ही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज में लाएगा और ट्रांसपोर्ट ही फिनिश गुड्स इंडस्ट्रीज से लेके जाएगा। इवन लेबर्स को भी ट्रांसपोर्ट ही इंडस्ट्री तक लेके जाता है। तो अगर इंडस्ट्री को ग्रो होना है तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा एफिशिएंट, तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगा। सो ट्रांसपोर्टेशन इज अ फैक्टर फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ करंट का। अभी आपने देखा रहेगा बहुत सारे मेट्रोज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऑलरेडी एक मेट्रो है अपने यहाँ पे घाटकोपर से अंधेरी जाने वाला। तो जब ये मेट्रो भी एक ट्रांसपोर्ट ही हो गया, राइट? अभी जब ये मेट्रो आया है, तो मेट्रो में आपने देखा रहेगा मेट्रो जो मोटरमैन होता है, जो मेट्रो चलाता है, ठीक है, उसको जॉब मिला। आपने देखा रहेगा प्लेटफॉर्म में भी देयर आर 2-3 पीपल हु आर सुपरवाइजिंग एंड इंस्पेक्टिंग द प्लेटफॉर्म। आपने देखा रहेगा येलो पैच के आगे आप जा नहीं सकते, वो आपको रोक देते हैं। देन टिकट देने वाले भी लोग हैं। तो कितने लोगों को जॉब मिल रहा है, समझ में आ रहा है? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ता है जितना ट्रांसपोर्ट ग्रो होगा। ठीक है, अपने पास रेलवेज में एम्प्लॉयमेंट है, एयरवेज में है, वाटरवेज में है, ठीक है, रोडवेज में है। अभी ओला और उबर आने की वजह से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला? पहले सिर्फ टैक्सी सर्विसेज था, बट अभी ओला और उबर आने से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। सो इट इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट वन इज रीजनल कनेक्टिविटी। रीजनल कनेक्टिविटी मतलब कैसे? इट कनेक्ट्स रीजन टू रीजन। आपको कहीं पे भी जाना रहेगा तो आपको कोई ना कोई तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो बाय एयरवेज टू दैट प्लेस, यू कैन गो बाय रोडवेज टू दैट प्लेस, यू कैन गो वाटरवेज, और यू कैन गो एयरवेज। ओके, सो ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये क्या करते हैं? इट कनेक्ट्स रीजन टू रीजन। देयर आर सर्टेन रीजन जहां पे रोड कनेक्ट कर सकता है, देयर आर सर्टेन रीजन जहां पे आप सिर्फ एयरवेज से जा सकते हो,
देर आर सर्टन रीजन जहां पे आप सिर्फ वाटर वेज से जा सकते हो. जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दू, रिवर ब्रह्मपुत्र जो इंडिया में एंटर करता है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र में ना देर आर आइलैंड्स, रिवर आइलैंड्स, ठीक है. अब ये जो रिवर आइलैंड्स है ना, यहाँ पे अगर आपको पहुंचना है तो यू हैव टू, यू कैन ओनली गो बाय वाटरवेज, ठीक है. रोडवेज तो बनाया नहीं है, एयरवेज से भी नहीं जा सकते, तो यू हैव टू गो बाय वाटरवेज. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी ऑफ द साइट. यूटिलिटी का मतलब क्या है, कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब है यूज, करेक्ट. अब मेरे को बताओ कि देयर इज अ प्लेस, ठीक है, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, देयर इज अ प्लेस व्हिच इज ब्यूटीफुल, वहां पे एंशिएंट टेंपल्स है, आर्टिफैक्ट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, बहुत कुछ है वहां पे, बट वहां पे आप पहुंच नहीं पा रहे, ठीक है. बिकॉज वहां पे आप पहुंच सकते हो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच दैट प्लेस, ठीक है. मतलब आप पहुंच तो गए, वापस आने का भी आपका भरोसा नहीं है. Will you go to that place? नहीं ना, but अगर अच्छा transport facilities होगा तो आप जा सकते हो. Yes. So transportation क्या करता है? It increases the utility of the site. अभी जब तक लोग वहां पे जाएंगे नहीं, उस एरिया का यूज नहीं होगा, बट ट्रांसपोर्टेशन एफिशियंट होगा तो उस एरिया का यूज होगा, ठीक है. Now why people go to Goa? People go to Goa from different countries, different states of our own country. The reason is because transport is efficient. You can reach Goa by roadways, waterways, airways and railways. ठीक है, इसके लिए Goa is one of the tourist attraction in our country. ठीक है, अगर transport नहीं होता था तो लोग पहुंच नहीं पाते थे, but अभी क्यों पहुंच रहे? Because of transportation. Next one is overcoming scarcity, that is deficit. अभी स्कैसिटी कैसे ओवरकम करता है? अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ट्रेड का, जम्मू कश्मीर इज अ प्लेस विच ग्रोज फ्रूट्स ऑन अ लार्जर स्केल. दे आर फेमस फॉर एप्पल्स एंड अदर फ्रूट्स, ठीक है. महाराष्ट्र में एप्पल ग्रो नहीं होता बिकॉज वैसा क्लाइमेट नहीं है, वैसा सॉइल नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को भी एप्पल खाना है. मतलब महाराष्ट्र में एप्पल का कमी है, स्कैसिटी है. तो वो स्केर्सिटी कैसे फुलफिल होगा? द एप्पल्स विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू महाराष्ट्र. सो व्हाट ट्रांसपोर्टेशन इज डूइंग, इट इज ओवरकमिंग द स्केर्सिटी, ठीक है. जहां पे वो कम है वहां पे वो गुड्स लाके या वहां पे वो सर्विसेज लाके रखना, इसको बोलते हैं ओवरकमिंग स्केर्सिटी. और ट्रेड उसके लिए तो चालू हुआ था, टू ओवरकम द स्केर्सिटी. अब महाराष्ट्र एप्पल ग्रो नहीं करता, बट महाराष्ट्र ग्रोस कॉटन ऑन अ लार्जर स्केल. तो जम्मू को अगर कॉटन चाहिए तो महाराष्ट्र से ले सकता है, ठीक है. आसाम ग्रोस टी ऑन अ लार्जर स्केल, बट बाकी कोई स्टेट्स नहीं ग्रो करता है बराबर से, तो आसाम से टी बाकी स्टेट्स में जाते हैं. ओके, तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट दे गो हैंड टू हैंड, ठीक है. ट्रांसपोर्ट के बिना ट्रेड नहीं होगा. ओके, तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज डिक्रीजिंग रीजनल इम्बैलेंस. रीजनल इम्बैलेंस इसका मतलब क्या है? डेफिसिट मतलब कम होना, डेफिसिट मतलब कम होना, ठीक है. मैंने बोला ना महाराष्ट्र में एप्पल्स कम है, कम मतलब डेफिसिट, ठीक है. ओके चलो, नेक्स्ट वन इज डिक्रीजिंग रीजनल इम्बैलेंस. रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना. अभी महाराष्ट्र में ना देयर आर टू डिस्ट्रिक्ट्स, वन इज मुंबई एंड वन इज गढ़चिरोली, ठीक है. आपने सुना भी है क्या पता नहीं, गढ़चिरोली इज अ डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज देयर ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है. इज माय वॉइस क्लियर? कैन एनीवन? ओके, तो अभी मैं बात करूं महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में मुंबई इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑन द वेस्टर्न साइड एंड गढ़चिरोली इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न साइड. दोनों को इंडिपेंडेंस 1947 में ही मिला था, ठीक है. बट आज अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो मुंबई इज वेल डेवलप्ड सिटी
और अ डिस्ट्रिक्ट. बट इफ यू टॉक अबाउट गढ़चिरौली, गढ़चिरौली अभी भी डेवलप्ड नहीं है. अगर आप गढ़चिरौली जाएंगे ना तो वहां पे रोड के नाम पे कच्चा रोड है. कच्चा रोड माने वो मिट्टी का रोड होता है. वो रेलवे स्टेशन नहीं है. उनको अगर ट्रेन से जाना है तो उनको कैसे है कि कोई और डिस्ट्रिक्ट में और कोई और जगह में जाके उनको. तो वहां पर अगर आप देखेंगे ना तो डेवलपमेंट नहीं है. द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर देयर इज बुलककाट. ठीक है, द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर देयर इज बुलककाट. आपको कोई कुछ लोगों के पास में आपको मोटरबाइक दिखेगा, नहीं तो साइकिल या तो चल के ही जाते हैं. दिस इज द कंडीशन ऑफ गढ़चिरौली. क्यों? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरीके से आया नहीं, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं आया इसके लिए तो लोग नहीं जा रहे. ठीक है, कल को अगर आपको जॉब मिला गढ़चिरौली में तो आप जाओगे? नॉट पॉसिबल. आप बोलेंगे यार यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन बराबर नहीं है, मैं क्या करूँ जाके वहाँ पे. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन जब डेवलप होगा वहाँ पे देन पीपल विल स्टार्ट गोइंग ओवर देयर. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, रीजनल बैलेंस लाता है. अभी जब लोग वहां पे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन आएगा तो लोग वहां पे जाएंगे गढ़चिरौली में, तो क्या होगा, धीरे धीरे वहां पे ऑक्यूपेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, धीरे धीरे वहां पे फैसिलिटीज बढ़ेंगे. फिर एट दी एंड गढ़चिरौली विल बी डेवलप्ड एज मुंबई. बट वो होने के लिए ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज टूरिज्म डेवलपमेंट. टूरिज्म डेवलपमेंट तो ट्रांसपोर्ट पे ही होता है. People will not go to a place where there is no proper tourism. That is sorry, there is no proper transportation. मैंने बोला ना, example दिया. If you go to Goa, why people are going to Goa? Because there is a easy mode of transport over there. If you go, if you see people go to Mahabaleshwar, people go to Nashik, people go to Kerala. So why? Because it is easily accessible. You can go by road, you can go by train, you can go by railways, you can go by airways. So you सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं. ओके, तो इससे टूरिज्म डेवलप होता है. ठीक है, टूरिज्म की, टूरिज्म का दो ही चीज है. अगर आपके एरिया में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपका एरिया इजीली एक्सेसिबल है तो टूरिज्म अपने आप डेवलप होगा. ठीक है, तो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ देयर इज एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन देन ओनली द टूरिज्म विल डेवलप. ओके, अगर मैं रत्नागिरी का बात करूं तो रत्नागिरी पहले टूरिज्म के लिए फेमस नहीं था बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन उतना एफिशिएंट नहीं था. आपको सिर्फ रोडवेज से जाने को मिलता था. बट जैसे रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ इन 1998, नाउ रत्नागिरी इज अ प्राइम एरिया फॉर टूरिज्म बिकॉज आप अभी ट्रेन से भी जा सकते हो और जल्दी पहुंच सकते हो. ओके, सो दिस वॉज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अभी कम्युनिकेशन है. अभी मैं कम्युनिकेशन का बात करूं तो मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? स्पीकिंग. ओके, नेटवर्क शुड बी देयर टू कनेक्ट विथ पीपल. ओके, टॉकिंग, मास कम्युनिकेशन. ओके, एक्सप्रेसिंग थॉट्स. वाओ, इंटरैक्शन. एब्सोल्युटली करेक्ट, वी कैन स्पीक विद ईच अदर. यस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. आइदर यू आर एक्सचेंजिंग सम इंफॉर्मेशन और गिविंग सम नॉलेज, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन. अगर मैं एक एग्जांपल दू कम्युनिकेशन का, तो आप लोग देखो ना कैसे बात करते हो अपने दोस्तों के साथ. अब अपने दोस्तों के साथ ऐसा बात कर दो ना, अरे तेरे को पता है क्या हो गया, तो आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको. या तो आप ऐसा बता रहे हो, उसने तेरे को ऐसा बोला, मतलब वो कोई मैसेज दे रहा है. मतलब कम्युनिकेशन मतलब क्या, व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड मैसेज. ठीक है, एंड मैन इज अ सोशल एनिमल. मैन इज अ सोशल एनिमल. सोशल एनिमल क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट लिव इन अ आइसोलेशन. हम अकेले नहीं रह सकते. हम एक दिन अकेले रह सकते हैं बट दूसरे दिन हमको कोई ना कोई तो चाहिए बात करने के लिए. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 10 मिनट में चाहिए बात करने के लिए. सो मैन इज अ सोशल एनिमल एंड कम्युनिकेशन इज अ नीड. ओके, तो अगर मैं कम्युनिकेशन का बात करूं तो लेट अस स्टार्ट विद कम्युनिकेशन. नाउ लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन टूडेज एरा. कम्युनिकेशन भी इवॉल्व हुआ है जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ है. ओके,
कम्युनिकेशन जब चालू हुआ था दैट टाइम इट वॉज फर्स्ट फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन वॉज पोस्टल सर्विसेज. पोस्टल सर्विसेज आपने सुना रहेगा, पोस्टमैन, डाकिया, डाक लाया, जो घर पे आके पोस्टमैन लेटर आके देता था. ठीक है, अभी थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बट हम लोग का जो स्कूल का रिजल्ट आता था वो भी पोस्ट से ही आता था. ओके, तो पहले सब कुछ पोस्ट से आता था. आपने देखा रहेगा एक रेड कलर का लेटर बॉक्स आपको रोड पे दिखता है, आपने देखा है कभी? देयर इज अ रेड कलर का लेटर बॉक्स. यस, अभी कोई लेटर नहीं डालता उसमें, वैसे डस्टबिन हो गया अभी, वो कचरे डालते उसमें. ठीक है, बट एक्चुअली इट इज अ लेटर बॉक्स जिसमें लेटर्स डालते थे, देन दैट लेटर्स यूज्ड टू बी डिलीवर्ड टू द कंसर्न पर्सन बाय द पोस्टमैन. ओके, पोस्टल सर्विसेज के बाद में द नेक्स्ट वन वॉज टेलीफोन सर्विसेज, दैट वॉज लैंडलाइन. जब टेलीफोन आया ना तो एक रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि एक लेटर किसी को भेजना है तो 10 से 15 दिन लगता था, किसी का रिप्लाई आने का है तो भी 10 से 15 दिन लगता था. ठीक है, बट जैसे टेलीफोन आया तो क्या हुआ, टेलीफोन में द मैसेज यूज्ड टू बी पास्ड ऑन विद इन अ मिनट. आपने कॉल किया और मैसेज दे दिया. तो टेलीफोन एक रेवोल्यूशन आ गया था लैंडलाइन करके. फिर उसमें एक और एक रेवोल्यूशन आया, दैट वॉज मोबाइल फोन. ओके, अब मोबाइल फोन जब आया ना तो पूरा गेम चेंज हो गया, और मोबाइल फोन के साथ में जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस हो गया तो मोबाइल फोन बिकेम अ स्मार्टफोन. पहले हम लोग मोबाइल फोन सिर्फ कॉलिंग के लिए और गेम्स खेलने के लिए यूज करते थे, बट जैसे इंटरनेट आया तो मोबाइल इज अ मल्टी पर्पस ऑब्जेक्ट नाउ. ओके, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा डिटेल में, पहले मैं कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज पर्सनल कम्युनिकेशन एंड वन इज मास कम्युनिकेशन. ओके, पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब क्या, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन द फोन इट इज कॉल्ड एज पर्सनल कम्युनिकेशन, बिकॉज आप एक से ही बात कर रहे हो, 50 जन से बात नहीं कर रहे हो. ठीक है, हाँ, मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या, व्हेन वन पर्सन इज स्पीकिंग एंड नंबर ऑफ पीपल आर लिसनिंग, जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब मास कम्युनिकेशन है, जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ सुन रहे हैं. ओके, इसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन. तो टेलीविजन, रेडियो, ये सब मास कम्युनिकेशन में आता है. मोबाइल फोन, ईमेल्स, ये सब पर्सनल कम्युनिकेशन में आता है. चलो मैं आगे बढ़ता हूं. ओके, इन टुडेज एरा, मैं वो कंटिन्यू कर रहा हूं जो सेकंड पैराग्राफ है राइट हैंड साइड में. ओके, इन टुडेज मॉडर्न एज मैनमेड सैटेलाइट्स आर एन इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव मींस ऑफ कम्युनिकेशन. आज के डेट में हम लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आज इंटरनेट एक नीड हो गया है. ठीक है, नेसेसरी हो गया है. व्हाई? बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स की वजह से आज हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं. ओके, अच्छा, अपना जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? जस्ट अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन. यस, इट इज इसरो. इट वॉज फर्स्ट आंसर्ड बाय डैनियल फ्रॉम तक्षशिला. इसरो का फुल फॉर्म क्या है? यस, इट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसरो इज अ इंडियन बेस्ड स्पेस एजेंसी विच डील्स विद सैटेलाइट्स. ठीक है, दे डील विद मेकिंग द सैटेलाइट, दे डील विद लॉन्चिंग द सैटेलाइट एंड दे डील विद मैनेजिंग द सैटेलाइट्स. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. And these satellites are used for different purposes. ठीक है, जैसा मैंने अभी बोला, communication के लिए भी एक satellite लगता है. Now, the communication, the exchange of messages through mobile, watching programs on TV, getting updated information regarding climatic conditions, etc. आप आज घर बैठे बैठे आपको दुनिया भर का climate का भी information मिलता है TV पे. ठीक है, weather report आता है. ओके, आप टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है. ठीक है, आप मोबाइल फोन, अभी मैं बात करूं तो उसके बारे में हम लोग आगे अलग से बात करेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. इट्स पॉसिबल साइमल्टेनियसली थ्रू मैनमेड सैटेलाइट्स एंड सैटेलाइट इमेजेस ऑब्टेन्ड बाय रिमोट सेंसिंग फैसिलिटीज स्टडी ऑफ रिसोर्सेज ऑन अर्थ. अभी कैसे ना, देयर आर सर्टेन सैटेलाइट्स व्हिच आर देयर इन द स्पेस. ध्यान से सुनना, देयर आर सर्टेन सैटेलाइट्स व्हिच आर देयर इन द स्पेस. उनका है ना काम सिर्फ ऑब्जर्व करना है. ये सैटेलाइट्स का वो लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं ना, देयर विल बी वन सैटेलाइट व्हिच विल बी ऑब्जर्विंग द रिसोर्सेस ऑन द अर्थ. ठीक है, मतलब या तो कंट्री का, अभी इंडिया का सैटेलाइट है तो जितना भी रिसोर्सेस है इंडिया में, नेचुरल रिसोर्सेस, उसके ऊपर वो फोकस करेगा.
there will be a satellite which will be monitoring the climate of the country. ठीक है, ऐसा भी एक सैटेलाइट होता है जो क्लाइमेट को मॉनिटर करता है कंट्री का. अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ नेचुरल कैलामिटी होने का चांसेस है तो वो भी कैप्चर करता है, समझा. तो ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स भी है जो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए है, जो मॉनिटर करता है पूरा क्लाइमेट रिसोर्सेस, ठीक है, ये सब चीजों को वो मॉनिटर करता है. ऐसे भी सैटेलाइट्स रखे गए हैं. Okay, now in this age of internet and social media, everyone needs to use this system. ठीक है, आजकल क्या हो गया कि मोबाइल फोन इज अ बेसिक नीड. पहले वो लग्जरी हुआ करता था, अब क्या हुआ, एक बेसिक नीड हुआ है. ठीक है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ मोबाइल फोन. ओके, तो मोबाइल फोन आज के डेट में क्यों इतना नीड, इतना नेसेसरी हो गया, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज incentivizing मतलब क्या है, discount दे रहा है. incentivizing the use of online trading, payment, money transfer. ठीक है, क्यों government इन चीजों को promote कर रहा है, ठीक है, because government also wants cashless transaction. ठीक है, cashless मतलब क्या है कि अगर vegetable vendor के पास जाता हूँ, ठीक है, उससे मैं भाजी खरीदता हूँ, भाजी खरीदने के बाद में अगर उसके पास गूगल पे है या पेटीएम है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे फोन से उसको पैसा ट्रांसफर करूंगा. उसको बोलते हैं कैशलेस ट्रांजेक्शन. इसमें दो फायदा क्या, एक तो ब्लैक मनी कम हो जाएगा, दूसरा है कि नोट्स प्रिंट करने का जो खर्चा है गवर्नमेंट, तो वो भी कम हो जाता है. ठीक है, उतना नोट्स प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, उतना पेपर वेस्ट नहीं होगा. ओके, तो ये दो रीजन की वजह से गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग cashless transaction by promoting online trading, payments and money transfer. Yeah. Okay. आगे बढ़ते हैं, etc. Now many apps, applications which can be used on mobile phone have been developed. For example, Bheem. ठीक है, Bheem app अभी जो which is also page, हम लोग Google पे जो use कर रहे हैं वही है. भीम ऐप इज अ गवर्नमेंट ऐप जहां से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एसबीआई एनीवेयर, दिस इज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐप. एसबीआई एनीवेयर इज यूज्ड फॉर मनी ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. अभी ऐसे बहुत सारे ऐप है, फोन पे है, पेटीएम है. ठीक है, खुद बैंक्स के भी पर्सनल ऐप्स है, जैसे एक्सिस बैंक का खुद का ऐप है जहां से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, तो आजकल क्या हो गया कि मोबाइल फोन इज बिकम अ स्मार्टफोन. आज आप मोबाइल फोन पे बैठे बैठे यू कैन सेंड मनी टू एनीवन. और बहुत अच्छा फैसिलिटी क्यों है, बिकॉज इफ एनीवन इज इन अ नीड ऑफ मनी, तो अगर आप उसको प्रैक्टिकली भेजेंगे या मनी ऑर्डर से भेजेंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा. यहाँ पे कैसे कि आप एक घंटे पे पैसा या विद इन अ सेकेंड्स भी आप पैसा भेज सकते हो. तो मोबाइल फोन में आप शॉपिंग कर सकते हो, अपना प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, ईमेल्स चेक कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो. सो मोबाइल फोन हैज बिकम अ स्मार्टफोन. ठीक है, अभी कैसे है ना कि कम्युनिकेशन का प्रोज भी है और कॉन्स भी है. एडवांटेजेस मैंने बताया आपको कि कम्युनिकेशन से वी गेट अपडेटेड, वी गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फोन. बट उसके बहुत सारे कॉन्स भी है, नेगेटिविटी भी है. ठीक है, अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैव नाउ डेवलप्ड ऑन अ लार्जर स्केल. नाउ दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू टॉकिंग ऑन टेलीफोन और सेंडिंग मैसेजेस, बट आल्सो वीडियो कॉलिंग. हमारे टाइम पे फोन में हम सिर्फ बात कर सकते थे, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी. ठीक है, आज के डेट में यू कैन डू अ वीडियो कॉल. ठीक है, वीडियो कॉल में क्या फायदा है कि बिकॉज यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स व्हिच हु आर स्टेइंग इन डिफरेंट कंट्री, तो उनको देख के आप बात कर सकते हो. तो वीडियो कॉल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉलिंग तो समझ में गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है और उसका फायदा क्या है? यस, टॉकिंग टू मेनी पीपल. ओके,
वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जरा 3-4 पीपल टॉकिंग टू ईच अदर एट वन टाइम, इज कॉल्ड एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बिजनेस में और कंपनीज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। सपोज आई एम ओनर ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी, ठीक है, आई एम एन ओनर ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी, और ये कंपनी के दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच मलेशिया में है और एक ब्रांच सिंगापुर में है, ओके। अब मेरे को ये ब्रांच के मैनेजर के साथ मीटिंग करना है, ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब है क्या, मुझे पर्सनली मलेशिया जाना पड़ेगा, उस मैनेजर से बात करना पड़ेगा, उससे डिटेल्स लेना पड़ेगा, फिर पर्सनली सिंगापुर में जाना पड़ेगा, उस मैनेजर से बात करना पड़ेगा, बिकॉज फोन पे ये सब बातें नहीं होंगे। इस पे कितना खर्चा होगा, मेरे को प्लेन का खर्चा होगा, मुझे वहां पे रहने का खर्चा होगा। बट वॉट आई डू ओवर हियर इज विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैं मेरे इंडिया के ही कंपनी में बैठे बैठे दोनों को वीडियो कॉल पे लेके मैं उनसे वो डिटेल्स ले सकता हूँ फेस टू फेस। समझ में आ रहा है? सो इससे क्या होता है कि saves a lot of time and it also saves a lot of money. So video conferencing is majorly used by companies. Okay? तो ये है फायदा इंटरनेट का। आगे बढ़ते हैं। Now beside the above facilities, means of communication have a few threats associated with them. मैंने बोला pros तो है, advantages तो है, but अभी cons भी देखते, that is negativity. Okay? Now communication have a few threats associated with them. Many crimes happening through internet like website email hacking. इसको बोलते हैं साइबर क्राइम। इसको बोलते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मतलब क्या है, अभी अभी आपने अगर सपोज आपका ईमेल का पासवर्ड हैक हुआ या आपके वेबसाइट का पासवर्ड हैक हुआ, अभी ईमेल का पासवर्ड हैक हो गया तो इट कैन बी मिसयूज्ड फॉर एनीथिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल द ईमेल आईडी इज यूज्ड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मतलब आपका पूरा लाइफ चला जाएगा उनको पुलिस को समझाने के लिए, गवर्नमेंट को समझाने के लिए कि आपका ईमेल आईडी हैक हुआ है। इसके लिए कभी भी है ना, यू हैव टू बी अलर्ट, यू शुड नॉट गिव योर पासवर्ड्स और डिस्क्लोज पासवर्ड्स विद एनीवन। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज सोशल एंड रियल, ये अभी टेक्स्टबुक का बात नहीं कर रहा हूं मैं। यू डोंट हैव, यू शुड नॉट गिव योर पासवर्ड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है, इतना प्राइवेसी होना चाहिए। अगर फ्रेंड आपको बोलता है कि मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, तो बोलना ये चीज में हमको ट्रस्ट, पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन टू एनीवन, दैट इज पासवर्ड्स ईमेल आईडीज किसी को मिले, बिकॉज वो अगर किसी को मिल गया इट कैन बी मिसयूज्ड, ओके। फ्रॉड्स भी होते हैं। फ्रॉड्स कैसे, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव योर इंफॉर्मेशन अबाउट योर बैंक अकाउंट, information about your debit card, information about your credit card, तो online अगर वो रहेगा तो online theft भी होता है, ठीक है, आपके bank में से पैसा निकल जाएगा, आपके debit card में से कुछ चीज़ें मंगाएंगे, आपके credit card को भी shopping में use कर सकते हैं, इसको बोलते हैं online theft and fraud, तो ये भी होता है। Even social media में भी जब आप जाते हो तो social media में भी आपका जो password होता है, जैसे कि Facebook का हुआ, Instagram का हुआ, तो ये जो पासवर्ड्स है फेसबुक इंस्टाग्राम का, तो ये पासवर्ड्स आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि व्हेन यू डिस्क्लोज दिस पासवर्ड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू एनीवन, दे कैन मिसयूज, ठीक है, एट एनी सर्टेन पॉइंट। तो आपको अलर्ट रहना है, यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंशियल अबाउट योर पासवर्ड्स एंड अबाउट योर ईमेल आईडीज, किसी को भी देना नहीं है। आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपका पासवर्ड देख लिया है, तभी के तभी वो पासवर्ड को चेंज करना है, ठीक है, ओके। तो ये एक है। फिर बाद में किसी ना वेबसाइट्स भी हैक होते हैं, लॉट ऑफ वेबसाइट्स हैव बीन हैक्ड, जैसे कि सोनी पिक्चर्स, हैव यू हर्ड अबाउट सोनी पिक्चर्स? तो सोनी पिक्चर्स का खुद का वेबसाइट था विच वॉज हैक्ड बाई अ चाइनीज ग्रुप ऑफ पीपल, जो हैकर्स होते हैं, एंड दे हैक्ड एंड दे released lot of movies जो अभी तक थिएटर्स में भी नहीं आए थे, उसको उन्होंने वेब पे रिलीज कर दिया, तो इट वॉज अ बिग मेस ओवर देयर, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट हैक कर लिया और वेबसाइट से उन्होंने वो मूवीज निकाले और मूवीज को उन्होंने
टोरेंट जिसको बोलते हैं उसमें उन्होंने उसको पब्लिसाइज कर दिया। तो ये पॉसिबिलिटीज होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना इंटरनेट यूज करना भी एडवांटेज है और उसका डिसएडवांटेज भी है। तो इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं, अटैकिंग इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स एक्सेट्रा अराइजेस, एंड देयरफॉर वन शुड टेक प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग सोशल नेटवर्क। वी शुड नॉट रिवील आवर इंफॉर्मेशन बिफोर एंश्योरिंग सेफ्टी। आजकल हमने देखा रहेगा, इफ यू गो टू इंस्टा और इफ यू गो टू फेसबुक, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, नाउ दिस इज समथिंग फैक्ट एंड रियल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु पोस्ट एवरीथिंग दे डू ऑन द इंस्टाग्राम द होल डे, मतलब मॉर्निंग से लेकर शाम तक जितना भी कुछ किया है वो सब पूरा इंस्टाग्राम पे आपको दिखेगा। इससे क्या होता है मालूम है क्या? बिकॉज एवरीवन इज सीइंग व्हाट यू आर डूइंग द फुल डे। तो इससे ना क्राइम बढ़ता है, ठीक है, क्राइम बढ़ता है। फॉर एग्जांपल इफ यू पोस्ट की आई एम सिटिंग एट होम, देयर इज नो वन, सो यू आर इनवाइटिंग पीपल टू रॉब योर प्लेस, ठीक है, कि उनको पता चल जाएगा। आजकल कैसे कि जो चोर होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो लोग भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो लोग उस पर भी मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। तो यू नॉट पोस्ट एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, देयर शुड बी सम कॉन्फिडेंशियलिटी, देयर शुड बी सम प्राइवेसी, क्योंकि यू आर अननेसेसरी इनवाइटिंग ट्रबल। तो अगर आप अभी करते रहेंगे तो स्टॉप इट, ओके। Next one is, we should not put any sensitive information or personal information on social networking. जो WhatsApp पे आपको आते रहते हैं messages, forwarded messages, जो sensitive topics पे होते हैं, उसको आप वापस forward नहीं करना चाहिए, उसको आप promote नहीं करो, ठीक है। WhatsApp पे आपने देखा रहेगा, there are many sensitive information and messages which comes, ठीक है, तो उसको forward मत करना, उसको delete कर देना, ठीक है, because आपको पता है वो message कितना genuine है, वो news कितना genuine है। सो वी शुड नॉट बी, बिकॉज कैसे कि ये सब चीज़ें ना साइबर क्राइम मॉनिटर करते रहते हैं, और साइबर क्राइम को पता चला कि यू पीपल आर प्रमोटिंग ऑन अ लार्जर स्केल, तो वो लोग आपको पकड़ लेंगे, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, दे आर ट्रैकिंग यू, सो यू शुड नॉट प्रमोट ऑल दिस काइंड ऑफ स्टाफ। नेक्स्ट इज, वी शुड नॉट रिवील आवर इंफॉर्मेशन, आइए हो गया, ओके। नेक्स्ट वन इज ब्लॉग्स एक्सेट्रा एंड फिगर, दिस इज अ इमेज ऑफ साइबर अटैक्स। ना पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे ना, तो साइबर अटैक्स ज्यादातर आपको यूरोपियन कंट्री में दिखेगा, चाइना में दिखेगा, जापान में दिखेगा, नॉर्थ अमेरिका में दिखेगा, बिकॉज वहां पे कैसे कि टेक्नोलॉजी इज यूज ऑन अ हायर साइड। इंडिया में आपको कम दिखेगा, बिकॉज इंडिया में अभी भी हम उतना टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप यूएस में जाएंगे, इफ यू गो टू जापान, वहां पे कैसे कि एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड, ठीक है, इवन द सिग्नल्स ऑन रोड आर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड। अगर कल को सिग्नल्स को हैक कर दिया तो कोई भी सिग्नल्स अपने हिसाब से दे कैन मैनिपुलेट। तो वहां पे है ना साइबर अटैक्स बहुत होता है, वहां पे है ना साइबर फ्रॉड्स बहुत होते हैं, इफ यू गो टू नॉर्थ अमेरिका एंड इफ यू गो टू जापान और चाइना, तो उधर कैसे है कि आपके बैंक अकाउंट्स खाली हो सकते हैं, आपके डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, आपका ईमेल कोई और पर्पज के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो उनके पास वो बहुत सारे तरीके हैं। तो ये मैप में उन्होंने बताया है कि हाउ द अटैक्स हैपन्स एंड वेयर इन विच कंट्रीज द अटैक्स, द वॉल्यूम ऑफ अटैक्स आर मोर, ठीक है, ये सिर्फ एक जनरल आइडिया दिया उन्होंने। सो इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेट, इंटरनेट का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट फ्रॉम इट, ओके। ऑनलाइन पेमेंट इज सेफ ऑन दैट वेबसाइट। अभी कैसा ना कि आप जब वेबसाइट खोलते हो तो आपको मैं एक ऑप्शन एक बता रहा हूँ, वेबसाइट पे ना एक लिखा हुआ रहता है स्टार्टिंग में, अभी आपने फेसबुक टाइप किया गूगल क्रोम में, तो आपको देखो स्टार्टिंग में आएगा https, आपको आएगा https, https का मतलब क्या है, दिस साइट इज सिक्योर। अगर सिर्फ http होगा ना, अगर सिर्फ http होगा तो वो साइट कभी भी यूज मत करना। If it is only written HTTP, don't use that site is not secure, ठीक है, या तो उसमें वायरस होगा या तो आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हैक हो जाएगा। इसके लिए इफ यू गो टू फेसबुक, एमेजोन, तो ये साइट्स पे देखो ना HTTPS होता है, वो S क्या है, S मतलब इट इज सिक्योर, HTTPS होता है, S मतलब सिक्योर, दैट S इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं रहेगा और आपने वो साइट खोला
देन ऑल द बेस्ट. तो ऐसे साइट्स को खोलना मत, बिकॉज ये साइट्स में वायरस होता है, कुकीज होता है, पॉपअप्स होते हैं, जो वो कैसे है ना, आपके लैपटॉप में जाके आपके लैपटॉप में वायरस भी लैंड कर सकता है, देन इट विल बी अ मेस. तो आपको भी कैसे ना, यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल, यू शुड नो व्हाट इज द एडवांटेजेस, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एंड व्हाट शुड बी डन. आपको थोड़े गाइडलाइंस और थोड़े रूल्स मालूम रहने चाहिए. ओके, तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन पार्ट खत्म होता है. तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन पार्ट खत्म होता है. सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हो गया है. एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ.